स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला चिकित्सालय का प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद SDM ने शनिवार को निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान SDM ने अव्यवस्थाओं को लेकर फटकार भी लगाई थी, साथ ही कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद SDM ने सोमवार को भी सभी निर्देशों का पालन होने को लेकर निरीक्षण करने की बात कही थी। इसी के तहत सोमवार सुबह SDM जिला अस्पताल पहुंचे। करीब 2 घंटे तक SDM ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कैमरों के बारे में जानकारी हासिल की। SDM ने बंद LED लाइटों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। SDM ने कहा कि करीब 35 कैमरे चालू हो गए। अस्पताल के अंदर और बाहर का चप्पा चप्पा कैमरे की नज़र में रहेगा। कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड होगी। डॉक्टरों और नर्सों के आने जाने के समय स्कैनर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। करीब 50% डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन हो गया। आज भी कई डॉक्टरों ने थंब इम्प्रेशन और आँखों के स्कैनर द्वारा अपनी एंट्री दर्ज की है। रोज निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएंगे। सोनोग्राफी हर सोमवार से शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन सोनोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। हम 1-2 दिन में सोनोग्राफी की मशीनें शुरू करवा देंगे। देवास ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। आपने 2 दिन पहले बोला था कि आप सोमवार को आकर जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, कुछ निर्देश भी दिए थे आपको, आपके काम पूरे मिले? हाँ, जैसे कि अब रेगुलर मॉनिटरिंग हम अस्पताल की कर रहे हैं, अभी डेली बेसिस पे होगी। जैसे मैंने आपको आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी इसमें सारी सुविधाएं और सारा सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शनल हो जाएगा। परसों जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो हमने कैमरेज की बात की थी पहले, अभी करीब 35 कैमराज फंक्शनल हो गए हैं, जो 2 दिन में मैंने टारगेट दिया था कि आप ये सारे फंक्शनल कर दें। तो आज अभी जो सारे कैमरा का सेटअप सामने देखेंगे, रिसेप्शन के पीछे जो कंट्रोल रूम है उसमें हमने लगा के रखा है। तो अस्पताल के अंदर का और बाहर का एक हर जगह, हर चप्पा चप्पा एक कॉर्नर जो है वो अब कैमरे के अंदर स्कैनिंग में है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना कुछ भी होती है तो वो हमारे संज्ञान में रहेगी। इवन वॉइस कैमराज भी है, इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती है। सेकंड सिस्टम ने बनाया था कि जो सारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं उनके आने और जाने का जो समय होगा वो स्कैनर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वो भी करीब 50% डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। आज भी कभी कई डॉक्टर्स ने थंब इम्प्रेशन और आई स्कैनर के थ्रू अपनी एंट्री दर्ज की है। ये 2 चीज़ें आज हमने इम्प्लीमेंट कर ली हैं। इसके बाद डेली हम इसको विजिट कर करके और चीज़ों को हम बेहतर बनाते जाएंगे। सर, 2 दिन पहले आपने यहाँ के अधिकारियों को बोला था कि आप मुझे संतुष्ट जवाब देना सोमवार को, आपको आपका संतुष्ट जवाब मिला? हाँ, मतलब काफ़ी हद तक तो हुआ है, कुछ चीज़ छूट गई है। जैसे अभी भी हमको सोनोग्राफी हम आज से चालू करना चाह रहे थे, पर जैसे कि सोनोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, कुछ सोनोलॉजिस्ट से संपर्क किया गया था पर अभी हो नहीं पाया है। आज हम लिस्ट मंगवाकर और सोनोलॉजिस्ट को फाइंड आउट करेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी वही है कि हम चूँकि गायनेक डिपार्टमेंट में बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनको USG इम्पोर्टेंट होता है, तो हम 1-2 दिन में उसको रिजॉल्व करेंगे कि 2 मशीन हमारी सोनोग्राफी की हों, फंक्शनल हो जाएगी। और सर, नवजात बच्चे को घूमा 4 दिन हो गए, क्या कार्रवाई? उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरा उसके लिए काम कर रहा है।